अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो YouTube की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो है स्किन वाइटनिंग और ग्लोइंग के बारे में। हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन ग्लो करे, ब्राइट हो, वाइट हो। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन पे अमल करके आप लोग अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, आपकी स्किन ब्राइट हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 पॉइंट्स जो कि फर्दर सब पॉइंट्स में भी डिवाइड होते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हम चाहते हुए या ना चाहते हुए भी डेली रूटीन में स्किप कर देते हैं और फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया है। तो आपने इन पॉइंट्स पे अमल करना है और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो जी, सबसे पहला पॉइंट है स्किन केयर रूटीन। आपने अपने स्किन केयर रूटीन में वो प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो कि आपकी स्किन पे सूट करती हैं। पहले तो अपनी स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करें कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ऑयली है या ड्राई है, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्किन के रूटीन के अंदर वो प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो कि केमिकल्स फ्री हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, हमारी स्किन उनको बियर नहीं कर सकती। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जो कि सूट करें आपको, जो कि केमिकल फ्री हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैराबिन फ्री हों, सल्फेट फ्री। मेरे पास यहाँ पे एविलॉन का फेस वॉश है जो कि पैराबिन और सल्फेट फ्री है। यहाँ पे इसके फ्रंट पे ये मेंशन है। अगर आपके पास कोई ऐसा फेस वॉश है जिसके फ्रंट पे ये मेंशन नहीं, तो आपने उसके इंग्रेडिएंट्स बैक साइड से चेक कर लेने हैं। बैक साइड पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं। तो अगर वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है और पैराबिन और सल्फेट और फ्रेग्रेंसेस फ्री है, तो आप उसको ईजीली अपने लिए चूज़ कर सकते। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्किन को दिन में 2 बार क्लींस लाजमी करना है, क्योंकि हमारी स्किन में बाहर जाने से या फिर वैसे ही पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो जाती है, डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। तो आपने अपनी स्किन को दिन में 2 बार क्लींजिंग करनी है ताकि वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी स्किन से रिमूव हो सके। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्मा शाइन का क्लींज़र, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर विटामिन सी है जो कि स्किन को बहुत साफ़ कर देता है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी कि आपने अपनी स्किन को वीक में 1 बार एक्सफोलिएट करना है लाजमी, क्योंकि आपकी स्किन की डर्मल लेयर के अंदर बहुत सारे डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं जो कि आपकी स्किन पे डलनेस क्रिएट करते हैं। तो उन सेल्स को रिमूव करने के लिए आपको एक्सफोलिएशन लाजमी करनी चाहिए। स्किन केयर रूटीन का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर टोनर ऐड करना है, क्योंकि जब हम स्किन को क्लींजिंग करते हैं स्किन के ऊपर या फिर स्क्रबिंग करते हैं, तो उससे हमारी स्किन की जो नेचुरल पीएच होती है 5 to 6 के बिटवीन है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है क्लींजिंग और स्क्रबिंग करने से। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें अपनी स्किन केयर रूटीन में टोनर ऐड करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी स्किन की पीएच को कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। वो एलोवेरा बेस भी हो सकता है, वो क्यूकम्बर बेस भी हो सकता है, वो आपका होममेड टोनर भी हो सकता है, और मार्केट में भी बहुत अच्छे टोनर अवेलेबल। कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर लें या होममेड टोनर यूज़ कर लें तो आपको ज़बरदस्त से रिजल्ट मिल जाए जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एड्रेस योर स्किन कंसर्न। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, किसी किस्म का भी अगर आपकी स्किन पे इशू है, तो डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कोई भी अच्छा सा सीरम जो आपको वो रिकमेंड करेगी वो आप खरीदें और उसको आप अपनी स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन भी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी स्किन को दिन में 2 बार मॉइस्चराइज करना है। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो आपकी स्किन या एक्सट्रीमली ड्राई हो सकती है या एक्सट्रीमली ऑयली हो सकती है, और इन दोनों की वजह से आपकी स्किन पे एक्नी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन प्लम्प होगी और ग्लोई होगी। स्किन केयर रूटीन का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अप्लाई अ सनस्क्रीन जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो और आपकी स्किन पे सूट करती हो, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन पे डलनेस हो सकती है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो सकती है, डार्क पैचेस बन सकते हैं। तो इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सीज़न, यानी आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं करना कि विंटर है हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं या
ऑटम है या फिर स्प्रिंग है या समर है, आपको चारों सीजन में सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करनी है, इसको अपनी डेली रूटीन का एक अहम पार्ट बना लें। ओके, तो अब जी सेकंड मेन पॉइंट आ जाता है, फ्लक्स योर मसल्स। फ्लक्स योर मसल्स का मतलब ये है कि आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में एक्सरसाइज, योगा या किसी किस्म की भी इस तरह की कोई चीज़ ऐड करनी है जिससे आपके मसल्स जो हैं वो टोन अप हों, आपकी जो लुक है वो यंगर आए, आप फ्रेश फ्रेश लगें। उससे स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से क्या होगा कि आपकी स्किन से और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और आपकी स्किन के ऊपर फ्रेशनेस आएगी और आपकी स्किन यंग लगे। थर्ड मेन पॉइंट ये है, ईट हेल्दी एंड राइट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी खाते हैं आपकी स्किन पे वो अपीयर होता है कि आपने क्या है। तो मैं बात कर रही थी राइट ईटिंग की, कि आपको ऐसी बहुत सी फूड अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए जो कि आपकी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ़िश ऐड करनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, वलनट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे आपकी स्किन इम्प्रूव हो सकती है, आपके हेयर इम्प्रूव हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो फोर मेन पॉइंट आ जाता है जी, होम रेमेडीज़। ठीक है, आपकी किचन के अंदर ही ऐसे बहुत से इन्ग्रीडियंट्स मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं, वो आपकी स्किन की ब्यूटी को रीस्टोर कर सकते हैं और एक हेल्दी लुक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रॉ मिल्क, आप उसको रोज़ वाटर में ऐड करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, पोटैटो जूस लगा सकते हैं, टोमेटो जूस लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी किचन में हनी होगा, एलोवेरा जेल होगी, आमंड होंगे, बेसन होगा, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप घर में यूटिलाइज़ करके उपटन बना के आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो आपको रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन पे बहुत ही हेल्दी इम्पैक्ट ये चीज़ छोड़ती है, तो इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो फिफ्थ मेन पॉइंट है जी, स्टे हाइड्रेटेड। आपके पास हर वक्त अपनी एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जिससे आप बार बार पानी पी सकें, क्योंकि आपके लिए हाइड्रेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। यानी हमारे घर में तो यूँ होता है कि हमारे सर में भी दर्द हो और अम्मा को बताएं तो अम्मा कहती हैं पानी नहीं ना पीती। नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है जी, साउंड स्लीप। सोना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेश रहने के लिए, आपके यंग रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साउंड स्लीप से मुराद वो नींद है जो कि नेचुरल हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल को टर्न ऑफ करें, लाइट को बंद करें और 7 से 8 घंटे डेली नींद लें ताकि आपकी बॉडी और आपकी स्किन रिफ्रेश हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्योंकि टबैको आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है और अल्कोहल विटामिन ए की सप्लाई को रोकती है, क्योंकि विटामिन ए कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसका इंटेक लाजमी है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अल्कोहल को क्विट करें। लास्ट पॉइंट ये है जी, शॉर्टन योर शावर, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में हम हॉट वाटर से शावर लेते हैं जिससे हमारी स्किन ड्राई हो सकती है और डल भी हो सकती है, और इसके अलावा एक्नी का इशू भी हो सकता है ओपन पोर्स की वजह से। तो आपको चाहिए कि आप अपने शावर को शॉर्ट करें या फिर लास्ट पे अपने फेस पे एटलीस्ट ठंडे पानी के छींटे मारें, उससे आपके फेस की जो स्किन है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो यही थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें अपनी रूटीन का पार्ट बनाने के बाद आपको कितने बेनिफिट्स मिले। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।